वो हालांकि एक बहुत साधारण फैमिली से आती थी, उसके बाद भी उनके वो इतनी होरहार थी कि उसने फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और अगर आप उसके सुसाइड नोट भी देखें तो वो कितना बैलेंस है कि वो ये बताता है कि आपको सबको वो यही संतोष दे के गई कि आप लोग मिलजुल के रहो, आप कहीं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लाओ। अगर आप लोग बात समझोगे बेटे तभी होगा, क्योंकि अगर आप में ट्रस्ट नहीं होगा एक सिस्टम पे तो सिस्टम नहीं चल सकता है। मेरे यहाँ रहने और जाने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान मिल बैठ के करने से होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसका जो समाधान होगा हम तुरंत आज ही निकाल लेंगे, हम आज से उसकी शुरुआत करेंगे। अभी हम आपके बीच में बात कर रहे हैं, उसके बाद आपके कुछ रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठ के उसकी उसमें क्या क्या कर सकते हैं वो करेंगे, और वो भी फाइनल नहीं होगा। उसमें हम एक्सपर्ट लोगों को बुलाएंगे और सबसे बात करके जो अच्छा से अच्छा होगा कि जब से जिससे कि कोई हमारा कोई भी स्टूडेंट जब NIT पटना ज्वाइन कर लेता है। कुछ पूछना जरूरी है Please let me finish. बच्चों ये सोचो, ऐसा है बच्चों, मैं यहाँ एयरपोर्ट से सीधे आ रहा हूँ, आप लोगों की जो जो समस्याएं होंगी और उसमें जो जो कमियां होंगी हम उसको पूरा सब कोई मिलके उसको एकजुट होके उसका निदान करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या हुआ, लेकिन जो हुआ कोई एक ये दुर्घटना हुई और इसमें जो भी गलतियां हुई हैं, या हमने तो ऐसे पूरी अपनी ओर से कोशिश किया था कि वहां पर डॉक्टर रहे, एम्बुलेंस रहे, सब कुछ रहे। अब कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, सब थे। और जैसा आपका कहना है कि आपके आपके अपने उस कमरे में तीन बच्चे थे, दो बच्चों को उसने वो वहाँ से डिनर के लिए भेज दिया और वो जब आए तो उन्होंने ही इसको बताया। तो उसमें अगर आप ये सोचो कि उसके पीछे कोई मोटिव था बेटे, वो नहीं था। लेकिन हम लोग उसको फिर से उसको अच्छे से एग्जामिन कर लेते हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये दुर्घटना थी, और हम आज मिलके हम लोग अब आगे आने वाले समय में जो तुम्हारा क्वेश्चन है वही मेरा भी वही कंसर्न है कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग हर ओर से हर एंगल से उसको देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो, वो जीरो पे पहुंच जाए। और इसके लिए अगर एक तो वो है कि कोई उस प्रवृत्ति की ओर जाए भी ना। अगर कोई डिप्रेशन में है, डिस्ट्रेस में है, या उसके उसको कोई भी ज़रूरत है, वो हमारी फैमिली NIT पटना के फैमिली का पार्ट है। हम लोग उसकी सारी समस्या का यहाँ निदान करेंगे और इसके लिए हम लोग मिलके एक मेथड डिवाइस करेंगे। दो दिन लग गया आपको? हैं? आपको दो दिन लग गया सर? मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद शुरू में नहीं थे, आपको शायद मालूम होगा कि मैं यहाँ से फ्राइडे में ही गया हूँ। ये जो दुर्घटना हुई है ना, दुर्घटना तो बेटे दुर्घटना होती है, ये कोई कह के नहीं होती है। प्लीज आई एम टेलिंग यू मैं यहाँ से फ्राइडे को ही गया था, और मैं यहाँ से मैनेट भोपाल गया था, सिलेक्शन कमेटी बोला गया था कि आप दिल्ली में, मैं मैनेट भोपाल गया था, और ये सिलेक्शन कमेटी होती है, कोई कह के नहीं जाता है कि हम किस फैकल्टी सिलेक्शन कमेटी में जाते हैं, लेकिन मैं वहाँ था कि नहीं था ये एक नहीं सौ लोग। ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इम्पोर्टेंस किसकी है? नहीं नहीं नहीं, वो पता नहीं था कि ये इंसिडेंस हो जाएगी, जब सब कुछ स्टेबलाइज हो गया था तब गया था। ये तो दुर्घटना थी, ये तो दुर्घटना थी। और भोपाल से यहाँ का जो कनेक्शन है, मैं अभी घर नहीं गया हूँ, मैं सुबेरे चल के मैं यहाँ आके मैं सीधे मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ कि पहले इसका निदान करेंगे,
फिर भी कुछ करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपसे बात करने के बाद मैं घर जाने की सोच रहा हूँ, आपके से बात करने के बाद आपके रिप्रेजेंटेटिव, हमारे फैकल्टी सब मिल के इसकी शुरुआत अभी से, आज से करेंगे कि जिससे कि इस तरह की चीज़ें ना हो। और आप लोग को जो डिस्ट्रेस है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों के बीच में कभी डिस्ट्रेस नहीं था, और ये डिस्ट्रेस अगर हो गया है तो इसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, और ये आप मान लीजिए, अपने सीनियर से पूछ लीजिए कि हम लोग एक फैमिली की तरह हैं या नहीं। आज आपके साथ, आज आपके सामने इतने टीचर खड़े हैं, आप हो, हम हैं, सभी और जितना भी प्रशासन है, और आपको आपकी हर समस्या का हम निदान करने के लिए हमेशा आपके सामने है, रहे हैं और रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि हमने पिछले समय में अगर कोई भी वादा किया हो, एक छोटा सा भी, तो उसको न निभाया हो ऐसा। और जिसमें जो संभव नहीं होता है, हम स्वयं ही कह देते हैं कि बेटे अभी यह संभव नहीं है। जैसे हॉस्टल में जो आपकी कमियां थी कि एक में दो बच्चे रहते थे, वो सब था, मैं पहले से ही बोलता था कि नया हॉस्टल बन जाएगा तो आप लोगों को ये सुविधा हो जाएगी। बहुत से आपके बच्चे जो बाहर रहते थे उनको भी सब होती थी, उनको भी मैंने, तो ऐसा नहीं है कि NIT पटना में, ये NIT पटना है क्या? NIT पटना स्टूडेंट टीचर और सबका मिल के एक फैमिली है, ये हमेशा एक फैमिली थी और एक फैमिली रहेगी। और ये जो दुर्घटना हुई है, इसके पीछे जो भी कमियां थी, और माने जो भी मेडिकली जो कमियां हुई या जो प्रोसीजर में कमियां हुई, और उस